नवी मुंबई नेटवर्क। हम वर्दी पहने वाले किसी भी अधिकारियों की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वक्तव्य के साथ नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे ने वार्षिक पत्रकार परिषद में ये इशारा दे दिया है कि नवी मुंबई में आग बंद कर अपराध को बढ़ावा देने वाले पुलिस कर्मियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सिबड़ी बेलापुर में सम्पन्न वार्षिक पत्रकार परिषद में रखे गए आंकड़े कहीं खुशी तो कहीं गम बनकर साबित हो रहे थे। बता दें कि साल 2022 नशा तस्करों के नाम रहा, जहां नवी मुंबई पुलिस ने NDPS कानून के तहत साल 2021 की तुलना में दोगुने केस दर्ज कर करोड़ों रुपयों के ड्रग्स बरामद भी किए। वहीं एक से बढ़कर एक केस को एक्सपोज करने वाली नवी मुंबई पुलिस द्वारा 2021 की तुलना में 2022 में ज्यादा क्राइम केस दर्ज किए गए। 2022 में 6,443 क्राइम केस दर्ज हुए, जबकि 4,297 केस डिटेक्ट कर 67% डिटेक्शन रेट दर्ज किया गया। तो चलिए दिखाते हैं कि इस पत्रकार परिषद में क्या रहे हाइलाइट्स। बता दें कि साल 2022 में मोटर व्हीकल थेफ्ट के कुल 1016 केस को दर्ज किया गया। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बता दें कि 2021 में जहां 944 केस दर्ज किए गए थे, 2022 में इसकी संख्या बढ़कर 1047 हुई। रेप केस, बता दें कि रेप केस मेजर 2021 में जहां 93 केस दर्ज किए गए और रेप केस माइनर 2021 में जहां 119 दर्ज किए गए, उसकी तुलना में रेप केस मेजर 2022 में 105, रेप केस माइनर 2022 में कुल 131 केस दर्ज किए गए। पॉस्को केस की बात करें तो 2021 में जहां 169 तो वहीं 2022 में 186 केस दर्ज किए गए। साइबर क्राइम की बात करें तो इसमें भी इजाफा देखने को मिला। 2021 में जहां 172 केस दर्ज किए गए थे, तो वहीं 2022 में आंकड़े 207 तक पहुंचे। NDPS केस और प्रॉपर्टी सीज्ड की बात करें तो 2021 में जहां नवी मुंबई पुलिस ने 88 केसेस दर्ज कर 3.79 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की थी, उसकी तुलना में 2022 में 149 केस दर्ज कर तकरीबन 368.52 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी नवी मुंबई पुलिस ने 2022 को सीज की। वहीं ट्रैफिक इन्फोर्समेंट की बात करें तो सीट बेल्ट, हेलमेट विदाउट लाइसेंस, ट्रिपल सीट, नो एंट्री जैसे मामलों में कुल 3,13,580 केस 2022 में दर्ज किए गए, जबकि 2022 में नवी मुंबई पुलिस ने चालान से 69.96 करोड़ रुपयों की वसूली की है। एक्सीडेंट्स की बात करें तो 2021 में जहां आंकड़ा 992 था, तो वहीं 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 734 दर्ज किया गया। अभी हमने 2022 में नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में जितना भी क्राइम हुआ है उसका एनालिसिस किया है, उसकी 2021 की के आंकड़ों से भी तुलना की है। तो ओवरऑल अगर हम क्राइम की फिगर्स देखते हैं तो 2021 की तुलना में 2022 में क्राइम हल्के प्रमाण में घटा हुआ आपको नजर आता है। हालांकि थोड़ा सा बॉडी ऑफेंसेस में, ओवरऑल बॉडी ऑफेंसेस जो है उसमें थोड़ा सा क्राइम बढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी थोड़ा सा क्राइम बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर महाराष्ट्र का जो एवरेज अगर हम देखते हैं तो नवी मुंबई की जो जो बढ़त है वो जो इंक्रीज है वो कम है। बाकी महिलाओं के संदर्भ में कुछ ऑफेंसेस में भी आपको वृद्धि दिखती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सेलियंट फीचर इसका हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी सीरियस ऑफेंसेस है, मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर्स, डेकोइटीज, रॉबरीज या महिलाओं के विरुद्ध के गुन्हे या सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ हुए गुने, ये सारे के सारे डिटेक्टेड है 2022 में नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में। नवी मुंबई पुलिस डेडिकेटेड है आपको पूरा सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए। इसमें जो भी इलिसिट ऑपरेशंस है, बार्स बोलो, बाकी ऑनलाइन लॉटरीज और जितने भी इलिसिट ऑपरेशंस है, उसको हम कंप्लीटली अंडर चेक रखेंगे, और नारकोटिक्स, साइबर क्राइम, इनके ऊपर खास करके
हमारे ड्राइव्स रहेंगे और हमारी नजर रहेगी। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का हम विस्तार कर रहे हैं और हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर सेल की निर्मिति करके साइबर क्राइम का के ऊपर का फोकस भी हम बढ़ाएंगे। महिला सुरक्षा, सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा को हमारा प्राधान्य रहेगा। हम इतना ही आश्वासित कर सकते नई मुंबई के नागरिकों को कि 2023 में लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, कोस्टल सिक्योरिटी, वाइटल इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट में आपको डेफिनेटली अच्छी डेवलपमेंट आपको दिखाई देगी। बता दें कि साल 2022 गैंगस्टर विक्की देशमुख की गिरफ्तारी, MBBS एडमिशन रैकेट का भंडाफोड़, व्हीकल थेफ्ट डिटेक्शन के भी नाम रहा। बता दें कि नवी मुंबई शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुल 5,129 मैन पावर की तुलना में आज भी नवी मुंबई पुलिस में 318 जगह अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसे में पत्रकार परिषद में पत्रकारों से बात करते हुए मिलिंद भारंबे ने ये भरोसा दिलाया कि 5,000 अधिकारी नवी मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बेहद सक्षम है। आज की तारीख में जो नवी मुंबई पुलिस का क्राइम है और पुलिस की संख्या है, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट। जरूरत है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारी एफिशिएंसी में बढ़ोतरी करना। मिलिंद भारंबे ने मुंबई और नवी मुंबई की तुलना करते हुए कहा कि नवी मुंबई प्लांट सिटी होने के कारण अपराध कर इजी एस्केप रूट के कारण व्हीकल एंड प्रॉपर्टी क्राइम में इजाफा हुआ है, जिसे लेकर नवी मुंबई पुलिस द्वारा एनालिसिस कर 2023 में इसे कंट्रोल में लाने का काम किया जाएगा। मुंबई मध्ये सर्वात महत्त्वाचा फॅक्टर वॉज द अंडरवर्ल्ड, जे ऑर्गनाइज्ड क्रिमिनल्स असायचे त्यांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात असायची मुंबईमध्ये। मुंबईची पॉप्युलेशन पण खूप जास्त आहे त्याच्यामुळे, आणि समृद्धी पण त्या ठिकाणी खूप जास्त आहे, त्यामुळे जे काही गुन्हे घडतात त्याचा क्वांटम हा खूप जास्त असतो। नवी मुंबई त्या तुलनेमध्ये फॉर्च्युनेटली मागे आहे आणि चांगली गोष्ट आहे की आपल्या इथे क्वांटम ऑफ मनी लॉस्ट हे कमी असतं आणि ओव्हरऑल हा बराचसा नवी मुंबईचा एरिया हा प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट असल्यामुळे ह्या ठिकाणी ओव्हरऑल क्राईमची संख्या तशी त्या तुलनेमध्ये। महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की नवी मुंबईमध्ये काही प्रमाणात प्रॉपर्टी ऑफेन्सेस निश्चित आहेत, जसं आपण घरफोड्या म्हणा, चेन स्नॅचिंग्स म्हणा किंवा किरकोळ स्वरूपाच्या रॉबरीज म्हणा, त्याच्यामध्ये निश्चितच त्याचं प्रमाण बऱ्यापैकी नवी मुंबईमध्ये आहे। आता ह्याचं ॲनालिसिस विश्लेषण करणं गरजेचं आहे। मुंबईकडून, ठाण्याकडून ग्रामीण भागामध्ये पुण्याकडे जाणारे, रायगडकडे जाणारे असे बरेच एस्केप रूट्स आपल्याला नवी मुंबईमध्ये बघायला मिळतं। नवी मुंबई ॲक्च्युली बऱ्याच अंशी ट्रान्झिट म्हणून वापरल्या जातं, त्यामुळे ॲनॉनिमिटी बाकीच्या आरोपींना टेक्नॉलॉजी आणि पोर्टेबिलिटीमुळे ॲनॉनिमिटी मिळते आणि त्याचे काही चॅलेंजेस आपल्याला नवी मुंबईमध्ये फेस करावे लागतात। तर याचं अवलोकन करूनच त्याच्यासाठी काय व्यवस्थित उपाययोजना करता येईल त्यासाठी नवी मुंबई पोलीस ऑलरेडी वर्किंग करत आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की ह्या गोष्टींना आपण पूर्णतः 100% तर कमी होऊ शकत नाही, पण आपण निश्चितच याला कंट्रोल करण्यामध्ये यश प्राप्त करू। उन्होंने आगे कहा कि अब उनका चैलेंज है फाइनेंशियल चीटिंग के मामलों को कंट्रोल करना। फाइनेंशियल चीटिंग चे गुन्हे पण बऱ्याच प्रमाणात आपल्या ह्या नवी मुंबई आयुक्तालयाचं वैशिष्ट्य आहे की एकच जागा बऱ्याच लोकांना विकणे किंवा नोकरी लावून देण्याचं आमिष देणे, परदेशात पाठवण्यासाठी पैसे स्वीकारणे किंवा ॲडमिशन्स घेऊन देणे आपण बघितलं, अशा प्रकारचे चीटिंगचे प्रकारही बरेच होत असल्याचं आपल्याला आढळत आहे। आम्ही नुकतंच चार्ज घेतला आहे, याचं आम्ही थोडंसं मॅपिंग करून कुठल्या स्वरूपाचे लोक याच्यामध्ये इंडल्ज करत आहेत
त्यांचं मॅपिंग, त्यांचं लिस्टिंग करून आपण लोकांमध्ये पण अवेअरनेस करावा आणि यांच्यावरही प्रतिबंध करून या गोष्टींना कसा आळा बसेल त्याच्यासाठी आम्ही निश्चित प्रयत्न करू। इतना ही नहीं, विभिन्न अपराधों में शामिल पुलिस ऑफिसर्स के बारे में उन्होंने सख्त लहजे में इशारा दिया कि वी कैन नॉट टॉलरेट एनी टाइप ऑफ इनडिसिप्लिन इन यूनिफॉर्म पर्सन। गुन्ह्यांचा आलेख हा वाढतो आहे किंवा घटतो आहे त्यापेक्षा कुठल्या स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा आलेख वाढतो आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण कंट्रोल करू शकतो का हे समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आपण जो त्यातला जो उपप्रश्न विचारला की जे काही पोलीस अधिकारी कर्मचारी आहेत जे गुन्हेगारी मध्ये इन्वॉल्व होत आहेत किंवा त्यांच्याकडून काहीतरी इलिगल किंवा इलिसिट गोष्टी होत आहेत, तर अशा दोन तीन घटना निश्चितच ह्या ठिकाणी झालेल्या आहेत गेल्या महिन्या दोन महिन्यामध्ये, आणि आपण बघत असाल तर त्यांच्यावर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी ॲक्शन ऑलरेडी झालेली आहे आणि पुढे पण त्याचा निकाल लागेल तो सुद्धा स्ट्रॉंगच असेल, कारण वी वुड नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन इन अ युनिफॉर्म पर्सन। तर ह्या संदर्भामध्ये वी आर व्हेरी क्लिअर आणि ह्या संदर्भात आम्ही आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना सुद्धा ॲप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देऊन त्यांचं स्किल अपग्रेडेशन आणि ह्या गोष्टींचं ट्रेनिंग त्यांना आम्ही देत आहोत। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विभिन्न प्रेशर्स में काम करने वाली पुलिस कर्मियों के वेलफेयर में पुलिस कर्मियों का दरबार और समाधान हेल्पलाइन बेहद कारगर बनकर साबित होंगी। दरबार अपना कर्मचाऱ्यांचा दरबार घेणं हा एक आपल्या पुलिस युनिफॉर्म सर्व्हिसचा इंस्टीट्यूशनचा भाग आहे। त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेणे आणि त्यांच्या ज्या अडीअडचणी आपण हेडक्वार्टरच्या दरबारामध्ये घेतल्या होत्या त्यात आपण हेडक्वार्टरचे कर्मचारी आणि पोलीस स्टेशनचे पण प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये काही कर्मचारी अधिकारी बोलवलेले होते। त्याच्यामध्ये त्यांचे काही इश्यूज निश्चित होते, काही वैयक्तिक इश्यूज होते, काही सांघिक इश्यूज होते, काही एस्टॅब्लिशमेंटशी रिलेटेड होते, काही त्यांच्या सॅलरीज किंवा फायनान्शियल इमॉल्युमेंट्स त्यांना जे मिळतात त्याच्याशी निगडीत होते, काही घरांशी निगडीत होते। तर अशा ह्या सर्व गोष्टींचा उहापोह आम्ही ऑलरेडी करतो आहे आणि त्या ॲड्रेस करण्याचं साठी जे काही नियोजन करण्याची गरज आहे ते नियोजन ऑलरेडी इम्प्लिमेंट होतं आहे, त्यामुळे आय गेस मार्च महिन्यापर्यंत आपल्याला यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झालेला दिसेल। त्यासाठी आम्ही समाधान जी आपली हेल्पलाईन आहे त्या समाधान हेल्पलाईनचा पण आम्ही मोठ्या प्रमाणात वापर करतोय, जेणेकरून प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा जो काही अडचण आहे ती अडचण त्यांनी लॉग इन करावी, ती डॉक्युमेंट होतं आणि त्याचा निकाल पॉझिटिव्ह निकाल लागेपर्यंत आम्ही त्याचा पाठपुरावा पण करू शकतो। भाई उन्होंने जेएनपीटी में बड़े पैमाने पर गुड फ्लो के कारण फिजिकल इंस्पेक्शन और इंटेलिजेंस के बगैर ड्रग्स रैकेट को डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जेएनपीटी की भांति एपीएमसी पर भी नारकोटिक विभाग की नजर होगी। जेएनपीटी ला मोठा जो फॉल झाला होता चरसचा, त्याच्यामध्ये पंजाब पोलिसने काही आरोपी तिकडे पकडलेले होते आणि त्यांच्या इंट्रोगेशन मध्ये हे निष्पन्न झालं होतं क्रॉस बॉर्डर आणि यामध्ये इकडे पण त्यांनी एक कन्साइनमेंट पाठवली होती आणि त्याचं एकदा दोनदा फील्ड अटेम्प्ट पण झाले होते, येऊन चेक करून गेले होते पण काही आढळलं नव्हतं। फायनली ज्या पद्धतीने ते कन्सील केलेलं होतं आणि जे वर्षभर पडलेलं होतं त्यांची मोडस फार डिफरंट आणि ऍब्झॉर्बिंग मोडस आहे की ते कुड अफोर्ड की वर्षभर त्यांचं ते कंटेनर पडलेलं राहिलं तरी चालतं याच्यामध्ये, त्यामुळे ते टिपवरच अशा गोष्टी वर्कआउट होऊ शकतात। कारण त्याच्यासाठी आयडेंटिफाय करण्यासाठी जेएनपीटीला खूप ह्यूज एक्सरे स्कॅनर आणि खूप गुड आणि तिथे जो फ्लो आहे गुड्सचा तो इतका प्रचंड प्रमाणात आहे की त्याचं जोपर्यंत फिजिकल स्क्रीनिंग होत नाही तोपर्यंत ते शक्य नाही, किंवा इट विल बी अगेन इंटेलिजन्स बेस्ड, त्यामुळे ते इंटेलिजन्स बेस्ड ऑपरेशन आपण केलं होतं। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मी नेटवर्क।